नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे Q44 के बारे में। वैसे तो डीजे कंट्रोल सर्किट में मैंने Q44 की चर्चा की है, लेकिन हमारे एक साथी ने पूछा है कि Q44 का अलग वीडियो बनाकर उस पर लगे इंटरलॉक की विस्तार से जानकारी दीजिए। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और Q44 की ही बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैंने और भी जो वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो जो हैं देखना चाहें देख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि सभी वीडियो मैंने डाले हुए तो हैं, लेकिन आप कमेंट में लिखते हैं वो वाला वीडियो चाहिए, जबकि वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड होता है। पहले देख लेवें, नहीं हो तो फिर लिखें, कोई बात नहीं। और साथियों, एक ऑडियो की खबरी ऐप पे भी मेरा चैनल है, मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ वीडियो में डाल दूंगा, तो आप उस पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए और अच्छे अच्छे ऑडियो सुनिए। तो आइए बात करते हैं Q44 के बारे में। Q44 कब इनर्जाइज होती है? जब हम BLRDJ को प्रेस करते हैं तो Q45 इनर्जाइज होती है, जिससे Q45 का एनो इंटरलॉक Q44 पर लगता है और Q44 इनर्जाइज हो जाती है। ठीक है, इनर्जाइज होके क्या काम करती है? Q44 का एनो इंटरलॉक MTDJ पे लगता है, जिससे DJ क्लोज होता है और मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं Q44 लगे हुए प्रत्येक इंटरलॉक के बारे में। तो ये जो Q45 का इंटरलॉक है, ये तो स्टार्टिंग में DJ को क्लोज करने के लिए है, क्योंकि स्टार्टिंग में Q30 का एनो इंटरलॉक खुला रहता है, इधर से जाके Q44 इनर्जाइज होती है। बात करते हैं Q30 के एनो इंटरलॉक के बारे में। जब चलती गाड़ी में नो टेंशन हो जाता है तो Q30D इनर्जाइज हो जाती है। इसका सेटिंग है 15.7 केवी से वोल्टेज कम होने पर यह डी इनर्जाइज हो जाएगी, या जीरो टेंशन होने पर डी इनर्जाइज हो जाएगी। तो एनो इंटरलॉक खुल जाएगा और Q44 के द्वारा DJ ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि नो टेंशन हो जाने पर हमें DJ क्लोज नहीं रखना है, क्लोज ओपन कर देना है। इसके लिए ये इंटरलॉक लगाया गया Q30 का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया और ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं QVSI1 और QVSI2, जो दोनों ब्लोअर हैं, RSI ब्लॉक को ठंडा करने वाले, जो RNO या SI यूनिट के स्टार्टिंग के समय ये चलते हैं और हमेशा चालू ही रहते हैं जब तक DJ क्लोज रहता है। अब स्टार्टिंग में तो ये ओपन रहते हैं, इंटरलॉक ओपन रहता है, इसलिए इसको GR0 से बाईपास भी किया हुआ है। Q30 DJ क्लोज कर दिया, उसके बाद में ये भी चालू हो जाएंगे एनो इंटरलॉक। लेकिन चलती गाड़ी में कभी कोई MVSI बंद हो जाए तो यहाँ पे इसका एनो इंटरलॉक खुल जाएगा। और चलती गाड़ी में क्या होगा, यहाँ पे ये तो खुल जाएगा क्योंकि GR0 पे लगता है, किसी नॉच पे होगा तो ये खुला रहेगा, और ये भी बंद हो जाएगा, खुल जाएगा और Q44 के द्वारा DJ ट्रिप हो जाएगा। तो ये हमने ट्रिपिंग प्राप्त करने के लिए दोनों इंटरलॉक यहाँ जानबूझकर लगाए हुए हैं, क्योंकि हमें जैसे चलती गाड़ी में MVSI बंद हो गया तो ट्रिपिंग मिलेगा ही नहीं ना, तो इसके इंटरलॉक जानबूझ के, जैसे अन्य ब्लोअर का इंटरलॉक Q10 पे लगाए ना, इसी प्रकार MVSI के QVSI के एनो इंटरलॉक भी हमने जानबूझ के Q44 पर लगाए हैं। अब इसको लगाए तो हैं, लेकिन GR0 से बाईपास किया है। क्यों बाईपास किया है? कि जब हम एबनॉर्मल साइन पिकअप करते हैं तो हमें कैसे मालूम पड़े कि कौन सी नॉच का ट्रिपिंग आ रहा है, तो इसको वाइपरकेट करने के लिए, अलग अलग बांटने के लिए हमने GR0 से इसको बाईपास किया कि पहली नॉच लेवे तब ट्रिपिंग अगर मिलता है तो हम MVSI को देखेंगे और MVSI का ट्रबल शूटिंग करेंगे। इसके लिए इसको GR0 से बाईपास किया हुआ है, नहीं तो यहाँ बाईपास नहीं करते तो भी चलता है, ऐसे कर देते इधर से स्टार्टिंग में DJ क्लोज हो जाता, बाद में लगाते ट्रिपिंग मिल जाता, लेकिन हमको साइन पिकअप नहीं हो पाता कि कब ट्रिपिंग हो रहा है। तो पहली नॉच पे जब भी DJ ट्रिप होगा तो हम QVSI MVSI को देखेंगे और उसका ट्रबल शूटिंग करेंगे। ये बाईपास के क्यों लगाए HVSI के, कि हमने जाके देखा पहली नॉच पर DJ ट्रिप हो रहा है, MVSI ब्लोअर को चेक किया, काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो मतलब खराबी तो है ही नहीं, तो यहाँ से फिर HVSI को 3 पे रख देंगे और इधर से सप्लाई बनी रहेगी। इसके लिए ये बाईपास के स्विच यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो इस इंटरलॉक का काम समझ में आया, इसका भी समझ में आया और इसका भी समझ में आया, इसका भी समझ में आया, इसका समझ, ये सारे इंटरलॉक का काम हमको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, Q118 का एनो इंटरलॉक Q44 पर क्यों दिया गया है और यहाँ पे 5 सेकंड का टेम्पोराइज इंटरलॉक दिया हुआ है, इसका भी मतलब समझते हैं। जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो Q118 इनर्जाइज हो जाती है और इनर्जाइज होकर यहाँ एनो इंटरलॉक तुरंत लग जाता है, लग के क्या करेगा, Q44 की सप्लाई को मेंटेन कराएगा।
अब यहाँ पे 5 सेकंड का टेम्पोर यहाँ क्यों दिया है, क्योंकि क्यू वन नोड पे बहुत सारे इंटरलॉक लगे हुए हैं, एक रिले यहाँ लगा दी और उस रिले का इंटरलॉक एक यहाँ लगा दिया, ठीक है, इसलिए क्यू वन नोड की Q44 सहायक रिले ऐसा बोलते हैं। अब यह टेम्पोराइज क्यों दिया है, टेम्पोराइज इसलिए दिया है कि जब भी Q10 नेट के द्वारा कोई डीजे ट्रिप होता है किसी ब्लोअर के न चलने कारण या छठी नॉच का जो भी डीजे LSCH में पूछने से पहले बाद में ये सब होता है इसके द्वारा, तो Q10 नेट जैसे सप्लाई कट होगी तो 5 सेकंड के बाद में ये इंटरलॉक यहाँ से खुलेगा और 5 सेकंड और फिर 0.6 सेकंड इसका और 0.03 सेकंड MTDJ का, 5.63 सेकंड में डीजे ट्रिप होगा, यानी कि 5 सेकंड के लिए इसको टेम्पोराइज बनाया। 5 सेकंड टेम्पोराइज इसलिए बनाया हुआ है कि ऑक्सलियों को चलने वलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 5 सेकंड का बनाया है। C100 का क्लोज होना ओपन होना वो सब बातें होती है, इसके लिए 5 सेकंड के लिए इसको थोड़ा गैप दिया है। अब बात करते हैं GR0 एंड फुल नॉचेज का। ये जो इंटरलॉक है जीरो एंड फुल नॉचेज पे क्लोज रहता है और बिटवीन नॉच पे ये खुल जाता है, ठीक है, ये क्यों दिया, ये GR के गलत ऑपरेशन से विरुद्ध सुरक्षा के लिए दिया हुआ है। तो ये वाला जो इंटरलॉक है GR0 एंड फुल नॉचेज पे लगा रहता है, बिटवीन नॉच पे खुल जाता है, GR का गलत ऑपरेशन हो जाए कभी बिटवीन नॉच वो ज़्यादा टाइम ले लेवे तो GR के अंदर आर्किंग होता है और GR को नुकसान हो जाता है, तो उसको नुकसान होने से बचाने के लिए इंटरलॉक जानबूझकर यहाँ लगाया हुआ है कि बिटवीन नॉच पे अगर GR ज़्यादा टाइम लेगा तो क्या होगा, ये खुल जाएगा और Q44 के द्वारा DJ ट्रिप हो जाएगा। इस प्रकार Q44 जो है वो काम करती है और 0.6 सेकंड लिए टेम्पोराइज इसको भी बनाया हुआ है, वो इसलिए कि GR एक नॉच से दूसरी नॉच जाने में 0.4 सेकंड का टाइम लेता है, इसलिए इसको भी 0.6 सेकंड के लिए टेम्पोराइज बनाया हुआ है, यानी कि जल्दी वो क्योंकि ये क्या जब एक नॉच से दूसरी नॉच पे बार बार जाएगा तो ओपन क्लोज होता रहता है ये, तो ये डी एनर्जाइज नहीं हो पाएगी, नहीं तो बार बार DJ ट्रिप हो जाएगा ना, इसके लिए ये बनाया हुआ है। तो अच्छा, Q44 को कभी इनर्जाइज ना हो तो वेज करना अलाउ नहीं है, कभी कभी बड़े अधिकारी की परमिशन लेके अगर वो वेज करवाते हैं तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल अवस्था में इसको वेज करना अलाउ नहीं है। कभी Q44 इनर्जाइज नहीं होवे तो यही देखना है Q10 इनर्जाइज है कि नहीं, GR0 पे है कि नहीं, और GR को एक दो बार मैनुअल ऑपरेशन करके उसको फिर से 0 पर रख देना चाहिए, और Q44 को मैनुअल करने के लिए भी RGR के पास खड़े होना है, RG अगर हॉट होता है तो तुरंत DJ को ओपन कर देना है। इस प्रकार Q44 के बारे में मैंने आपको समझाया, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और Q44 की जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके अवश्य लिखें। धन्यवाद।